आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अदाकार फजल हुसैन की जिंदगी और फैमिली के हैरान कुन हकायक शेयर करेंगे। तो अगर आप इनके बारे में मुकम्मल मालूम जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फजल हुसैन एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार, मॉडल और टिकटॉक स्टार है, और वो बहुत सारे कामयाब ड्रामों में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, और वो ज्यादातर कॉमेडी ड्रामों में अपने किरदारों के लिए मशहूर है। अदाकार फजल हुसैन 31 अगस्त 1999 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 23 इयर्स है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं। अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें तो इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। इनका मजहब इस्लाम है और इनका वेट 55 केजी है। अदाकार फजल हुसैन बेहद टैलेंटेड अदाकार हैं। इनकी अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की और वो ओ लेवल्स कर चुके हैं। इनकी अगर फैमिली के बारे में बात करें तो वो एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी फैमिली में से किसी का ताल्लुक भी शोबिस से नहीं है और ना ही इनकी फैमिली को कभी ऑन स्क्रीन देखा गया। अदाकार फजल हुसैन का आईज कलर ब्लैक जबकि हेयर कलर भी ब्लैक ही है। इनकी अगर शादी के बारे में बात करें तो इनकी शादी अभी नहीं हुई और ना ही इनके अफेयर की कोई खबर सामने आई है। इन्हें ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अदाकारा आयना आसिफ के साथ देखा जा रहा है, जहां इनकी एक्टिंग और इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। आपकी इनकी जोड़ी के हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इनके शोबिस करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने बतौर चाइल्ड अदाकार शोबिस में कदम रखा। वो बतौर चाइल्ड अदाकार बहुत सारे कामयाब ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आए। इन्हें ड्रामा सीरियल इश्के बेनाम में पहली बार ऑन स्क्रीन देखा गया और ड्रामा सीरियल मेरा यार मिला देव से इन्होंने शोहरत हासिल की। इनके चांदे कामयाब ड्रामों के नाम रामचंदा, तेरे नाल लव हो गया, दिले बेदर्दी, मोहब्बत जाए भाड़ में, मातम, खतून, मंजिल, इश्के बेनाम, खामोश, चांद की परियां, जो बिछड़ गए, बेबी बाजी और टीगर हैं। इस वक्त इन्हें ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में लीडिंग रोल निभाते हुए देखा जा रहा है। अदाकार फजल हुसैन बतौर मॉडल भी काफी कामयाब हैं। अगर इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो वो अपनी शानदार अदाकारी के लिए बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड अपने नाम करवा चुकी हैं और वो अपनी शानदार अदाकारी के लिए काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आपकी इनकी अदाकारी और पर्सनैलिटी के हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।